खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से। छठा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 2021 रजपुरी नवादा आयुर्वेदिक चिकित्सालय बरेली में आयोजित किया गया। आयुर्वेदिक दिवस 2021 के उपलक्ष्य में आयुर्वेदिक विभाग बरेली द्वारा दिनांक 2 नवंबर 2021 को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रजपुरी नवादा बरेली में पोषण के लिए आयुर्वेदिक विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका प्रारंभ प्रातः 8 बजे हवन द्वारा प्रारंभ किया गया व 10 बजे गोष्ठी को प्रारंभ किया गया। अपराह्न 2 बजे भोजन के साथ संपन्न किया गया, जिसमें सभी चिकित्सालय के संपूर्ण स्टाफ सादर आमंत्रित रहे। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य व प्रतिभाग करने वाले सदस्य को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर डी के द्विवेदी ने ये बताया, जैसे कि दिवाली पंच उत्सव कहलाया जाता है, धनतेरस जो है उसको धन से जोड़कर मनाते रहे हैं। अभी तक लेकिन धनतेरसवा त्यौहार है वो धनवंतरी के रूप में मनाने का प्रचलन है। ऐसे में 2016 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, इस पर्व को धनतेरस के रूप में तो मनाएंगे ही, क्योंकि आरोग्य और हमारी प्राथमिकता में आता है, तो इसको राष्ट्रीय आयुर्वेदिक के रूप में मनाना शुरू करें। और इसी क्रम में आज छठा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर डी के द्विवेदी जी ने आहार विहार पर भी जानकारी दी और कहा, बाहर की चीज़ों से हम सभी का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है और हम सभी वो चीज़ खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में हमारा जो परंपरागत भोजन है जो हमारे घर में बनने वाला है, हमें अपने घर का ही भोजन करना चाहिए। बाहर का हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, जैसे इडली, कोई चाइनीज़, कोई फ्रेंच, ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर रंजन वर्मा से भी जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर डी के त्रिवेदी आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के दिशा निर्देशन में इस कार्यक्रम को आज यहां आयोजित किया गया है। डॉक्टर विश्वजीत त्रिपाठी जी ने आयुर्वेद एवं पोषण के बारे में अपने विचार रखे और डॉक्टर नेहा ने इसमें फल और सब्जियों के बारे में अपने विचार रखे। डॉक्टर दिव्या ने दूध का जीवन में हमारा क्या महत्व है, वहीं डॉक्टर अभिषेक सिंह ने दालों में कितनी पोषण है इसका महत्व समझाया। नित्य शर्मा जो योगा एक्सपर्ट हैं, उन्होंने प्राणायाम के बारे में समझाया और अपने विचार रखे, और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वासु रहे और होस्ट डॉक्टर डी के त्रिवेदी रहे और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय सिंह रहे और संचालक डॉक्टर मीनाक्षी और डॉक्टर रंजन रहे। ये पूरा कार्यक्रम डॉक्टर अभिषेक जी के देख रेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी को बहुमूल्य जानकारियां मिली। बरेली से सीनियर संवाददाता संगीता सिंह के साथ नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। दालों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन बी और आयरन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसे कि आज छठा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया, ये क्या हर साल होता है, किस तरीके से इसको मान्यता दी गई है और आज बहुत ही अच्छे विषय पे बात की गई है, इस पे हमें आप अपना जानकारी देते हुए अपना परिचय दें। देखिए, सामान्यतः हम लोग दिवाली जो है पंच उत्सव कहलाता है, पांच उत्सवों का एक ग्रुप कहलाता है दिवाली, उसमें हम लोग धनतेरस सामान्यतः धन से रिलेट करके और उसको मनाते रहे हैं अब तक धनतेरस। लेकिन बेसिकली धनतेरस जो त्यौहार है वो धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाए जाने का प्रचलन है। विशेष रूप से आयुर्वेद और मॉडर्न के लोग भी इसको धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते रहे हैं। ऐसे में 2016 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस धन्वंतरी जयंती के पर्व को धनतेरस के रूप में तो ठीक ही है, लेकिन ये चूंकि आरोग्य और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता में आता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में हम लोग मनाना शुरू करें। तो 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसी क्रम में हम लोग आज इस बार छठवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो धन्वंतरी जयंती, भगवान धन्वंतरी पौराणिक आख्यान के देवता हैं, वो आरोग्य के देवता हैं, ये माना जाता है कि वो हम सब लोगों को स्वास्थ्य मनाया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसा कि बरेली में आयुर्वेद के नाम से आपको जाना जाता है, तो इस पे हम दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह वाजलू, आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सक। आज जो है हम लोग छठा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, धन्वंतरी का मनाया गया है, इसके लिए जो है ये काफ़ी सालों से जो है मनाया जाता है। धन्वंतरी हमारे मेडिसिन के भगवान हुए हैं, इन्होंने जो है आयुर्वेद का जो है निर्माण किया था, तो उसी सिलसिले में जो है हम उनको याद करने में या उनकी यादगार में ये हर साल मनाते हैं। जैसा कि आप देश विदेश भी गए हैं, अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए।
ऐसा है कि मैंने एक रिसर्च की है आँखों के ऊपर आरसूटी नाइट ड्रॉप के नाम से। ये मोतियाबिंद दुनिया में मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन ही होता है और रेटिना का इलाज अभी तक नहीं है। हम मोतियाबिंद को अपनी दवाइयों से यह ठीक कर देते हैं और मोतियाबिंद के बाद भी आँखों की रोशनी कम हो जाती है उसको भी ठीक कर देते हैं। बाकी रेटिना के अंदर जो भी बीमारियाँ हैं परिचय देते हुए आज जो छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद का दिवस मनाया गया इसमें हमारे मेन गेस्ट कौन थे और कुछ डॉक्टर्स ने अच्छी एक स्पीच दी है अच्छा बताया उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ कि मैं डॉक्टर रंजन वर्मा हूँ, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दिवना मीरगंज में कार्यरत हूँ और विगत 12 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा सरकारी सेवा कर रहा हूँ। आज जो छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया वो हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी के द्विवेदी जी की प्रेरणा से उनके दिशा निर्देश से ये रजपुरी नवादा का जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है यहाँ पर इस आयोजन इसका हुआ है और ये संकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है। उनका ये विश्वास है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है कुपोषण का शिकार ना रहे, तो उन्होंने थीम दिए पूरे भारत को, हर विभाग को थीम दिए पोषण। तो हमारा चूँकि आयुष विभाग है तो हमारे लिए आयुर्वेद और पोषण